मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हनीडू बुक का चैप्टर 3 ग्लिम्पेसेस ऑफ द पास्ट, भूतकाल की कुछ जो झलक यहाँ पे दृश्य के माध्यम से दिखाया जाएगा। स्टूडेंट्स, इन दिस लेसन इज अ पिक्टोरियल अकाउंट ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ द स्टोरी ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। विद्यार्थियों, यह पाठ हमारे देश के इतिहास की 1757 से 1857 की झलक का एक चित्र, एक पिक्चोरियल जिसे कहते हैं, चित्रात्मक ग्लिम्पसेस, एक झलकियाँ हैं इस चित्र में, उसका लेखा जोखा है। स्टूडेंट्स, इट क्लियर्स द कंडीशंस दैट लेड टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। यह उन स्थितियों को स्पष्ट करता है जो कह सकते हैं, जिनके कारण 1857 का विद्रोह, यानी 1857 का जो विद्रोह आप देखेंगे, उसका ये 1857 का विद्रोह का ये पिक्चर आप देख रहे हैं इस चित्र के माध्यम से, कि 1857 का जो विद्रोह था। स्टूडेंट्स, जो ब्रिटिशर एस्टेब्लिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी इन 18th सेंचुरी फॉर ट्रेड पर्पस, जो ईस्ट इंडिया कंपनी इन 18th सेंचुरी फॉर द ट्रेड पर्पजेस, तो यहाँ पर ब्रिटिश के लोगों ने 18वीं शताब्दी में जो है यहाँ पर जो है अपने व्यापार के लिए भारत में जो है व्यापार के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की थी, वो ग्रेजुअली मानी धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली दे स्टार्टेड टेकिंग ओवर द स्टेट, वो धीरे धीरे जो है राज्यों पर अधिकार करना उन्होंने शुरू कर दिया था। दे फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड रूल, उन्होंने जो है फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल का मतलब वो फूट डालो और रूल करो, वो शासन करो की नीति को जो है, उस नीति का उन्होंने जो है अनुसरण किया। दिस सिचुएशन गॉट द रोस्ट इन इंडिया, और इस नीति का भारत ने भारत की जो स्थिति थी वो बदतर हो गई थी। रिलीजियस लीडर्स परचेस्ड
एब्जॉर्ब प्रैक्टिसेस लाइक द अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पर जो है भारत की बात करते हैं तो यहाँ जो धार्मिक जो यानी नेता ने मूर्खतापूर्ण नीतियों जैसे कि छुआछूत है और बाल विवाह का उपदेश दिया, चाइल्ड मैरिज, बट राम मोहन राय, यहाँ पे आप देख रहे हैं राम मोहन राय जो कह सकते हैं राम मोहन राय अलर्न मैन फ्रॉम बंगाल स्प्रेडेड द एजुकेशन अगेंस्ट दीज माल प्रैक्टिसेस। और यहाँ पर जो है राम मोहन राय ने इन बुराइयों के विरुद्ध जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और जो लॉर्ड मैकाले एडवोकेटेड द इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन इंडिया इन 1835। और लॉर्ड मैकाले ने जो 1835 में जो यहाँ पर भारत में अंग्रेजी भाषा के शिक्षण की उसने वकालत की, बट द स्पार्क यहाँ पे जो आप टॉपिक देख रहे हैं ये सीनरी दृश्य देख रहे हैं, बट द स्पार्क्स of revolt and dissatisfaction had arisen, मैंने arisings, और इन लेकिन विद्रोह और असंतुष्टि की जो चिंगारियां वो उठ चुकी थी ये जो डिससेटिस्फेक्शन है उसकी जो चिंगारियां थी वो जो है उठ चुकी थी सिपाही इन मेरठ मंगल पांडे आउटब्रेक का वायलेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूलर्स। मंगल पांडे जिन्होंने जो है ब्रिटिश शासक के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया और बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद तात्या टोपे और उसमें पेशवा नाना साहिब शॉर्ट ऑफ पेट्रोट्स को ऑपरेटेड एंड टुक पार्ट विद अ ग्रेट चील इन द फाइट फॉर फ्रीडम। और उसमें लखनऊ के बेगम हजरत महल और फैजाबाद के मौलवी जो अहमदुल्ला था और तात्या टोपे और वहाँ जो पेशवा नाना साहिब थे
देश भक्तों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अत्यधिक उत्साह के साथ भाग लिया और सहयोग किया। तो स्टूडेंट्स, आप ये कहानी जो मैंने आपको शॉर्ट में बताई है, ऐसा जो है इसमें वर्णन किया गया है, ये जो चैप्टर 3 है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपके शॉर्ट ये स्टोरी आपको जो इसका थीम बताया, इसमें क्वेश्चन आंसर आप करेंगे और जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड हैं जो मैंने बीच में आपको ये बताए हैं, आप लिख सकते हैं। फर्स्ट जैसे नोट कर सकते हैं आप, द मार्टियर्स यानी शहीद, कॉन्क्वेस्ट्स यहाँ पे लिखिए विजय, विक्ट्री, ऑपरेशन ऑपरेशंस, ऑपरेशन मनी होता है उत्पीड़न, डिससेटिस्फेक्शन लिखिए असंतुष्ट, द स्पार्क्स चिंगारियां, रिवोल्ट विद्रोह, द फाइट फॉर फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए लड़ाई। तो स्टूडेंट और बाकी इसके जो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5, 6 करने ऑप्शन लिए है, क्वेश्चन को आप करेंगे।